अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं सिद्धार्थी खान और आप देखें GNN डिजिटल। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सनम जावेद के शोड हैं, अतीक महमूद साहब मौजूद हैं। अतीक साहब, बलूचिस्तान के केस में जो है वो सनम जावेद साहिबा के भी पता चल रहा है कि गिरफ्तारी डाली गई है और कल दोबारा उनको यहाँ से तो डिस्चार्ज कर दिया गया था लेकिन दोबारा उनको गिरफ्तार कर दिया गया, क्या कहेंगे इस बारे? अच्छा यार, ये र्यूमर्स हैं। देखें, पकड़ा इस्लामाबाद पुलिस ने हैं तो वो के बलूचिस्तान पुलिस कैसे ले सकती है? पहले तो ये बताया ना, ये तो कानूनी सवाल है ना। इस्लामाबाद पुलिस ले गई तो इस्लामाबाद का केस होना चाहिए, बलूचिस्तान पुलिस किस तरह लेके आ सकती है? बलूचिस्तान पुलिस ने पकड़ा होता तो वो लेके आ जाती, जब पकड़ के इस्लामाबाद पुलिस लेके गई है तो पेश भी इस्लामाबाद पुलिस को करना चाहिए लीगली। बाकी हमें पता नहीं क्या कह रहे हैं, र्यूमर्स चल रही थी, 3 MPO के भी चल रही थी, फिर ये भी चल रहा था कि इसको चैलेंज करेंगे जो कल वाला डिस्चार्ज हुआ है, र्यूमर्स चल रही थी डिफरेंट। हमें नहीं पता वो कहाँ पर लेके गए हैं, किस थाने में है। तो हमने सुबह लाहौर हाई कोर्ट में जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ABS फाइल कर दी है, प्रोड्यूस करने की डाइडी नंबर लग गया उसको और वहाँ पर हम करवा के अब यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि पेश तो यहाँ पर ही करना है, जिसने भी करना है, इस्लामाबाद पुलिस करे, कोयटा पुलिस करे, जो भी करे, तो हम यहाँ पर आ गए हैं। अब देखें, पेश जिसमें भी करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोसीड तो करना ही। अब हमने सर कल उन्होंने बड़ी बहादुरी से उन्होंने दोबारा भी गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, क्या वजह कि एक केस से डालते हैं दूसरे से गिरफ्तारी, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, इतनी गिरफ्तारियाँ क्यों डाली जा रही है? यार ये तो जो डाल रहे हैं ये तो उनसे पूछे कि क्यों डाल रहे हैं, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कभी पाकिस्तान के तरीक में, दुनिया के तरीक में ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने कोई 15-16 दफ़ा गिरफ्तारी डाल दी एक औरत की बार बार, और ये भी नहीं है कि इकट्ठे पर्चे डाल दिया आपने, ठीक है 50 पर्चे का आपने करने हैं, इकट्ठे कर दें, बैठे रहेंगे जेल में, करवा लेंगे। अब एक जब पर्चा ख़त्म होता है फिर वो रिहा होती है तो आप बाइट से पकड़ लेते हैं दोबारा, तो इस दफ़ा इन्होंने मेहरबानी की है कुछ, कल इनको आइडिया नहीं था शायद डिस्चार्ज हो जाएगा तो 45 मिनट उसने हमारे साथ गुजार ली है, तो कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, तारीख लिखी जाती है यार, और तारीख ना, तारीख किसी को माफ़ नहीं करती, ठीक है अभी शायद लोग नहीं बोलते लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी और बाकी पुराने लोगों के बारे में भी लिखी जाती है तो तारीख जब लिखी जाएगी तो तारीख माफ़ नहीं करती, सारे करेक्टर्स को याद रखती है, किसी को अच्छी चीज़ों से याद रखा जाता है तारीख में, किसी को बुरी चीज़ों से याद रखा जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है बंदा, चाहे वो अच्छा कर रहा हो चाहे वो बुरा कर रहा हो। ये सर बता दें कि अगर उनको कोयटा लेकर जाया जाएगा तो आप कानूनी जराचौकी करने के लिए क्या इकदाम करेंगे, कहाँ कहाँ से रुजू करेंगे? सर पहले तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हुए हैं, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर ही करेंगे और फिर उसके बाद ऑब्वियसली अगर यहाँ से रिलीफ ना मिला तो फिर बलूचिस्तान जाएंगे, फिर वहाँ से रिलीफ लेंगे।